डॉक्टर सार साहब को मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ। एंड दैट वाज डॉक्टर इसरार अहमद। डॉक्टर इसरार अहमद मैं अल्लाह ग्रांट जन्नत, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट उर्दू स्पीकिंग ओरेटर्स इन द वर्ल्ड दैट आई नो। डॉक्टर इसरार साहब बुजुर्ग थे, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तजदीदी काम किया है, तहरीकी काम किया है। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद पर अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत फरमाए, बहुत बड़े आलिम थे। डॉक्टर इसरार, डॉक्टर इसरार अहमद, डॉक्टर इसरार, डॉक्टर इसरार आलमी निजाम खिलाफत दुनिया की तकदीर मुबरम है, वो कर रहेगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न हारिस फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुजूर ने इरशाद फरमाया, मशरिक की तरफ से वो फौजें निकलेंगी, लोग आएंगे जो अरब में मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। ये मेहदी कौन होंगे इसका जिक्र बाद में करूंगा, लेकिन नोट कर लीजिए कि मेहदी से पहले लाजमन किसी मशरकी इलाके के अंदर निजाम कायम हो चुकेगा। तब मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे, आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते। और वाकया यह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पुकारा भी नहीं जाता, पुकारते लोग हैं ज्यादा हजरत अली को, या अली मदद। शिर्क कीजिए, मैंने कोई फिकी मसला यहां छेड़ा है? कोई नहीं छेड़ा। देखिए फिकी मसलक होते हैं, एक अहले हदीस मसलक है, एक हनफी मसलक है, एक मालिकी मसलक है। हम इन मसलकों के अंदर अगर उनके इख्तलाफात में पड़ गए तो दीन का मुस्बत काम नहीं हो सकेगा। मेरा फैसला यह है, मैंने जो जमात बनाई है तंजीम इस्लामी, उसका यह उसूल है कि जो जिसका फिकी मसलक है वो उस पर अमल करे, और वो अपने मसलक के उलमा से मसला पूछे। अगर वो खुद साहिब इल्म है इज्तिहाद कर सकता है, करे, मुझे कोई एतराज नहीं है, तो अपने उलमा से फतवा पूछे। मैं फिकही सवालात के जवाबात नहीं दिया करता, मेरा जो तरीका